गुज़िश्ता दिनों आर्मी चीफ के साथ मुल्क की बिजनेस कम्युनिटी की मुलाकात हुई और इस मुलाकात में वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार भी शामिल थे, जहां उन्होंने ना सिर्फ ब्रीफिंग दी बल्कि बिजनेस कम्युनिटी को यह एतमाद देने की कोशिश की कि IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा भी हो जाएगा और हालात भी बेहतर हो जाएंगे। और आर्मी चीफ ने भी बिजनेस कम्युनिटी को यकीन दिलाया कि हालात मुश्किल ज़रूर हैं मगर मिलकर मुल्क को मसाइल से निकालेंगे, और दोस्त ममालिक ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, माइनिंग और रियल इस्टेट में सरमायाकारी का यकीन दिलाया है। मगर बिजनेस कम्युनिटी की आर्मी चीफ से इस मुलाकात से तहरीक इंसाफ खुश नहीं है, और इसी बिजनेस कम्युनिटी को तहरीक इंसाफ ने माफिया करार देकर उन लोगों की फहरिस्त में डाल दिया है जिन्होंने तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई थी, यानी अपनी हुकूमत गिराने की साजिश में एक और किरदार का इजाफा कर दिया है और दावा किया है कि इस बिजनेस कम्युनिटी ने बेड़ा गरक कराने में किरदार अदा किया और जनरल बाजवा के सामने गलत पिक्चर पेंट की। फवाद चौधरी ने ट्वीट भी किया कि हम अच्छे तरीके से इन कारोबारी शख्सियात को जानते हैं जो पूरी तरह रिजीम चेंज में मुलविस थे, ये सिर्फ माफियाओं को तहफ़ फराहम करने के लिए इकट्ठे होते हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से ये एक बहुत बड़ा और संगीन इल्ज़ाम है, क्योंकि इमरान खान की जमात का भी ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी जिसमें बड़ी बड़ी कारोबारी शख्सियात शामिल हैं वो शख्सियात भी इमरान खान की हुकूमत गिराने की साजिश में शामिल थे। तहरीक इंसाफ के इस दावे से मुतालिक हमने मौक़िफ़ के लिए मुतअद्दिद ऐसी कारोबारी शख्सियात को प्रोग्राम में आने की दावत दी जो ना सिर्फ मौजूदा आर्मी चीफ के साथ हालिया मुलाकात में शामिल थे बल्कि इमरान खान के दौर में भी साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकातें करते रहे हैं और ये मुलाकातें रिपोर्ट होती रही हैं। तो उन कारोबारी शख्सियात ने प्रोग्राम में आने से तो माजरत कर ली मगर नाम जाहिर ना करने की शर्त पर अपना मौकफ हमारे सामने रखा। एक कारोबारी शख्सियत ने तो महज ये जवाब दिया कि इस मज़े का खेज बात पर मैं क्या तबसरा करूँ कि अब हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम अमरीका से होते होते पाकिस्तान ही की बिजनेस कम्युनिटी पर डाल दिया गया है। जबकि कारोबारी शख्सियत ने हमसे खसूसी बात करते हुए तहरीक इंसाफ के एतराज़ पर यह मौकफ अख्तियार किया कि मुआशी मामलात में आर्मी चीफ की मुदाखलत और बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातों का सिलसिला ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने शुरू किया था, और जब इमरान खान की हुकूमत में मुआशी पॉलिसियों और नैब की कार्रवाइयों से बिजनेस कम्युनिटी परेशान हुई तो खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमें बुलाकर आइंदा के लिए बेहतरी की यकीन दहानी कराई और गारंटी के लिए खुद हमें आर्मी चीफ से मुलाकात का कहा। इस कारोबारी शख्सियत का मजीद कहना था कि खुद इमरान खान हमें कहते थे कि पाकिस्तान में एक ही तो इदारा है जो मुनज़्ज़म है और ठीक से काम करता है, इसके अलावा तो कोई इदारा ही नहीं है, इसलिए बिजनेस कम्युनिटी को अगर कोई मसाइल हैं तो इसमें आर्मी चीफ बल्कि यहाँ तक के DGISI से भी मदद ले सकती है। और उसके बाद बिजनेस कम्युनिटी की आर्मी चीफ और DGISI से ऑफिशियल सतह पर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। कभी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पिंडी बुलाकर हमसे मिलते तो कभी कराची और लाहौर आकर हमसे मुलाकात करते और बार बार यकीन दिलाते कि इमरान खान की हुकूमत में अब कारोबारी शख्सियात को तंग नहीं किया जाएगा, पॉलिसीज़ का अब तसलसल हुआ करेगा, नायब बिला जवाज कार्रवाइयाँ नहीं करेगा बल्कि उनसे सरमायाकारी में ताबुन किया जाएगा। और जनरल बाजवा ये भी बताते थे कि खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने ही मुझे ये मैंडेट देकर आपके पास भेजा है कि मैं आपको ये गारंटी दूँ। इन कारोबारी शख्सियत का मजीद कहना था कि 2018 से पहले के 10 सालों में तो हमने देखा ही नहीं था कि आर्मी चीफ कभी सऊदी अरब जाकर मुल्क के लिए पैसे मांगे, तो कभी मुत्तहिदा अरब अमीरात जाकर मदद मांगे और कभी कतर से LNG का मुआहदा कराए, और जब हुकूमत के वज़रा चीन के खिलाफ बयान देकर उसे नाराज कर दें तो आर्मी चीफ चीन को भी जाकर मनाए। इसके अलावा हमने एक और कारोबारी शख्सियत से तहरीक इंसाफ के इस इल्ज़ाम के हवाले से बात की तो उन्होंने भी बताया कि वो ना सिर्फ मौजूदा आर्मी चीफ के साथ मुलाकात में शरीक थे बल्कि वो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकातों में भी शामिल थे। हमने इन मारूफ कारोबारी शख्सियत से पूछा कि तहरीक इंसाफ आपकी मौजूदा आर्मी चीफ से होने वाली मुलाकात से खुश नहीं है और उसका दावा है और इल्ज़ाम है कि बिजनेस कम्युनिटी एक माफिया है जो इमरान खान की हुकूमत गिराने की साजिश में मुलविस है, तो उन्होंने जवाब दिया कि आर्मी चीफ से बिजनेस कम्युनिटी की मुलाकात की रिवायत तो 2018 के बाद पड़ी है, और फिर 2018 के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत में यहां तक हुआ कि DGISI ने खुद बैठकर बिजली पैदा करने वाली कंपनियों से मुआहदे किए, और मेरा तो अपना बिजली का कारखाना है इसलिए मैं बजाते खुद इस बात से वाकिफ हूँ। फिर रेकॉर्ड एक मुआहदा खुद DGMI ने कराया, FATF में ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए GHQ में बाकायदा सेल बनाया गया जिसमें बिजनेस कम्युनिटी से भी मशवरे लिए जाते थे, और अब अगर आर्मी चीफ से बिजनेस कम्युनिटी मिली है तो हमें माफिया करार दिया जा रहा है। इस कारोबारी शख्सियत ने मजीद कहा कि इमरान खान ने बतौर वजीर आजम 2019 में मुआशी मसाइल के हल के लिए एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई थी और खुद आर्मी चीफ को उस काउंसिल का रुकन बनाया था, और अब कह रहे हैं कि आर्मी चीफ को मईशत की समझ नहीं होती है। ये आर्मी चीफ से मिलने वाली एक और कारोबारी शख्सियत का मौकफ है जो हमने आपके सामने रखा, और मुतअद्दिद साथी भी ये बता चुके हैं कि इमरान खान बार बार ये कहते थे कि फौज सबसे मुनज़्ज़म इदारा है, इसलिए मैंने ही जनरल बाजवा से कहा है कि बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात करें। हमने कारोबारी शख्सियत के आगे जब ये बात रखी कि तहरीक इंसाफ तो अपनी हुकूमत गिराने की जिम्मेदारी भी अब बिजनेस कम्युनिटी पर डाल रही है कि आप लोग आर्मी चीफ से शिकायतें करके मईशत की बुरी सूरत हाल का बताते थे और हुकूमत गिराने की साजिश में शामिल हैं, तो उन्होंने हमें जवाब दिया कि उस वक्त मईशत की सूरत हाल बुरी थी और ये बात सबको खुद भी पता थी, और उस वक्त बिजनेस कम्युनिटी ने तो हुकूमती इत्तेहादियों से मिलकर उन्हें हुकूमत का साथ ना देने का नहीं कहा था, ये तो खुद हुकूमत का काम था,
खुद इमरान खान सारी सियासी मैनेजमेंट फौज के जरिए कराते थे और जब फौज ने किरदार अदा नहीं किया तो इत्यादि उन्हें छोड़ गए। इसमें बिजनेस कम्युनिटी कैसे जिम्मेदार हो सकती है? क्या बिजनेस कम्युनिटी ने एमकेएम को कहा था कि इमरान खान का साथ छोड़ दे? अब अहम बात यह है कि एक तरफ बिजनेस कम्युनिटी है जिसका दावा है कि गुज़िश्ता 15 सालों के दौरान आर्मी चीफ से बाकायदा ऑफिशियल मुलाकातों की रिवायत तो शुरू ही इमरान खान के दौर में हुई है और खुद इमरान खान ने इसका आगाज़ कराया, तो अब वो इस पर तनकीद क्यों कर रहे हैं? तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जो बिजनेस कम्युनिटी की आर्मी चीफ से मुलाकात पर खुश नहीं है और इस कम्युनिटी को एक माफिया करार देकर अपनी हुकूमत गिराने की साजिश में मुलव्वस करार दे रहे हैं। अब ये एक दिलचस्प सूरत हाल है क्योंकि गुज़िश्ता 11 माह से तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत गिराने वालों में हर महीने एक नए नाम और एक नए किरदार का इजाफा कर देती है। पहले ये इल्ज़ाम लगाया कि हमारी हुकूमत गिराने के लिए अमरीकी सदर बाइडेन ने असिस्टेंट सेक्रेटरी सतह के अफसर डोनाल्ड लू को बताया, फिर डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के सफीर असद मजीद को बताया और फिर असद मजीद ने इमरान खान की हुकूमत को ही साइफर के जरिए बताया कि इमरान खान की हुकूमत को गिराना है। मगर फिर इस इक्वेशन में जनरल बाजवा को डाल दिया गया और इल्ज़ाम लगाया गया कि अमरीकी सदर बाइडेन ने डोनाल्ड लू को बताया और डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के अमरीका में सफीर असद मजीद को बताया, असद मजीद ने साइफर लिखकर जनरल बाजवा को बताया और जनरल बाजवा ने यहाँ पीडीएम को बताया और फिर इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई। मगर फिर इमरान खान ने मौकफ और बदला और कहा कि इसमें साजिश अमरीका ने पाकिस्तान एक्सपोर्ट नहीं की थी बल्कि जनरल बाजवा ने पाकिस्तान से अमरीका को एक्सपोर्ट की थी और इसमें साबिक सफीर हुसैन हक्कानी का बहुत बड़ा किरदार था क्योंकि जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी के जरिए अमरीकी हुकूमत को बताया कि इमरान खान अमरीका मुखालिफ है। यानी जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी को बताया, हुसैन हक्कानी ने सदर बाइडेन को बताया, सदर बाइडेन ने डोनाल्ड लू को बताया, फिर डोनाल्ड लू ने पाकिस्तानी सफीर असद मजीद को बताया और असद मजीद ने साइफर भेजकर वापस जनरल बाजवा को बताया और जनरल बाजवा ने पीडीएम को बताया और फिर इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई। मगर अब एक नई बात सामने आ गई है और अब तहरीक इंसाफ का दावा है कि बिजनेस कम्युनिटी ने जनरल बाजवा को बताया कि हुकूमत की कारकर्दगी और मईशत बहुत ख़राब है, इस हुकूमत को घर जाना चाहिए और फिर जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी को बताया, हुसैन हक्कानी ने सदर बाइडेन को बताया, बाइडेन ने डोनाल्ड लू को और डोनाल्ड लू ने असद मजीद को बताया, असद मजीद ने वापस जनरल बाजवा और जनरल बाजवा ने पीडीएम को बताया और फिर इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई। मगर इस सब में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साइड में खड़े देख रहे हैं कि फिर इस सब में मेरा क्या किरदार था, क्योंकि इमरान खान के मुताबिक सबसे बड़ा किरदार तो उनका था। मुझे आईबी की बकायदा रिपोर्ट्स आती थी। एक आदमी ने सबसे ज्यादा कोशिश की हमारी हुकूमत गिराने की, उसका नाम मोहसिन नकवी था। हर जगह मोहसिन नकवी का नाम आता था कि इसने सबसे ज्यादा कोशिश की इस कॉन्स्पिरेसी को कामयाब करने की।